आज जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ वो चना भाजी की सब्जी है। तो चना भाजी ठंड के दिनों में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। चना भाजी को मैं बैंगन और टमाटर के साथ बनाऊंगी। तो इसके लिए चना भाजी लेंगे उसमें और बैंगन टमाटर अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च लेंगे। सबसे पहले चना भाजी को साफ करके धो लेंगे और बैंगन और टमाटर को भी साफ कर लेंगे। उसके बाद चना भाजी को धो करके अच्छे से रफली चॉप कर लेंगे और चना भाजी को काटने के बाद जो है बैंगन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और पानी में डुबा देंगे। यहाँ पे बैंगन चना भाजी टमाटर के अलावा भी जो सामग्री चाहिए वो है तिल, तिल बेसन नमक दही लाल मिर्च पाउडर लहसुन अदरक हल्दी पाउडर हरी मिर्च सरसों हींग आदि की भी आवश्यकता होगी। अब गैस पर एक कुकर में चना भाजी और बैंगन को आधा गिलास पानी डाल करके उबालने के लिए रख देंगे और इसे तब तक उबालेंगे, 4-5 सीटी आते तक उबालेंगे। और दूसरे तरफ गैस पर एक कढ़ाई में तेल डाल करके गर्म कर लेंगे और उसमें कटा हुआ टमाटर को डाल देंगे और अच्छे से ला लेंगे। जब टमाटर को मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसमें बस इतने ही मसाला डालते हैं, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालता। और इसे टमाटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। इधर गैस पर टमाटर को गलने देंगे, दूसरी तरफ कुकर में जो बैंगन और भाजी उबालने के लिए रखे थे वो भी उबल गया। उसे अब एक स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद भाजी को भाजी से जब पानी निकल जाएगा तब इसे हम जो गैस पे टमाटर पकने के लिए रखें उसी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैंगन और भाजी और टमाटर को एक साथ अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम दही लेंगे। दही यदि खट्टी है तो कम मात्रा में लेंगे और यदि कम खट्टी है दही तो आधे कटोरी दही लेके उसमें 2 टेबल स्पून बेसन डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और इस चना भाजी में दही जरूर डालिए क्योंकि दही डालने से ये चना भाजी को बाइंड या थिक तो करता ही है, साथ ही इसके टेस्ट को भी बढ़ा देता है। तो इसमें दही ज़रूर से डालिए, दही डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। दही डाल के इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे और जैसे इसे पकाने के बाद एक बाउल में इसे पलट देंगे। अब कोई भी भाजी का स्वाद उसके तड़का से ही आता है, तो अब उसमें भाजी में अब हम तड़का या बघार देने की तैयारी करेंगे। तो गैस पर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डाल करके गरम कर लेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, बारीक पिसा हुआ अदरक और लहसुन डालकर इसे ब्राउन होते तक के सेक लेंगे। जब अदरक लहसुन और मिर्च ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम इसे अच्छे से ब्राउन होने देंगे। उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च डालकर इसे थोड़ा सा पका लेंगे, फिर सरसों और डालेंगे और तिल डालकर इसे अच्छे से चटकने देंगे। जितने अच्छे से फोरन या बघार जो है या तड़का पकेगा भाजी उतनी ही स्वादिष्ट बनता है। और इस तरह सरसों और तिल को अच्छे से चटकने देंगे और हींग डाल करके भाजी को तुरंत डाल के मिक्स कर लेंगे और उसे फिर ढक देंगे जिससे बघार या तड़के की खुशबू पूरी तरह से भाजी में समा जाए। और थोड़ी देर बाद उसे निकाल करके 1-2 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए भाजी को पका लेंगे और 1-2 मिनट पकाने के बाद इसे एक बाउल में पलट लेंगे। इस तरह चना भाजी बैंगन की सब्जी बनके तैयार है। इसे गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ खाइए, बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। अब इसे हम धनिया हरी धनिया पत्ती और हरी मिर्च से गार्निश कर लेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।